हम लोग उसे उसे कोई लेना देना नहीं, कोई भी आता है आपका कोई रिलेशन से या कोई भी आता है, आप जिस अपना पसंद वाला उसको वोट मारो, कोई इशू नहीं है। बस हम लोग का मेन टारगेट है कि किरण रिजिजू का हम लोग और दोबारा सीट में नहीं देखना चाहता है ना। मेरे मित्रजनों, मेरे भाइयों और बहनों और मेरे शिक्षकजनों, आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम रेगम संगी है, हम ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट 10 सेपा से है और मैं आप लोगों को बिना वक्त ज़ाया के बता दूं कि मेरा आप लोगों को बुलाने का कारण क्या है और किस विषय में आज का मुद्दा के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। फिर से और एक बात, धन्यवाद आप सभी को। तो ये मुद्दा जो ये आज का आयोग जो अरुणाचल यूथ्स अगेंस्ट किरण रिजिजू, इसको बनाने का मकसद क्या है, इसको बनाने का वजह क्या है, मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रजनों, मेरा एक ही कहना मानना, 2024 में किरण जी को वोट नहीं मारना। और क्यों नहीं मारना, इसका विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना वक्त जाया के मैं आप सभी को ये कह दूं कि हमारा माननीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है हमारा जैसा छोटा मोटा अरुणाचल राज्य जैसा स्टेट के लिए, और कहता है कि राज्य का जो करप्शन मैटर है वो राज का मामला है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व करना है, और कहता है कि उसके पास बिल्कुल समय नहीं है, उसे देश के लिए काम करना है। तो बता दूं मेरे भाइयों, जब भी हम लोग का स्टेट में कल्चरल प्रोग्राम होता है, कोई सेलिब्रिटी आता है, सलमान खान आता है, तो किरण रिजिजू के पास वक्त ही वक्त है, पहुंच जाते हैं चीफ गेस्ट बन के, पहुंच जाते हैं सलमान खान को वेलकम करने। इस तरीका से कैसा चलेगा आप बताइए। खैर छोड़ दीजिए इस बात को। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली से हमारा राज्य अरुणाचल का डिस्टेंस है 2460 किलोमीटर, बाय रोड उसको ट्रैवलिंग करने से 49 आवर्स का समय लगता है ईटानगर पहुंचने के लिए। और हमारा माननीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पार्टी का मीटिंग के लिए दो बार तीन बार लेके आता है, उसके बाद में और भी बड़ा बड़ा नेता को लेके आता है। लेकिन किरण जी, आपको पता है 4 महीना 5 महीना से हमारा एसीसी टीम लोग वहां में भूखा प्यास में परिवार को छोड़ के, बीवी बच्चा छोड़ के, अपना जिम्मेदारी छोड़ के वहां में संघर्ष कर रहा है सबूत के साथ में, जबकि जंतर मंत्र से पार्लियामेंट का दूरी 506 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर सिर्फ है, वो भी एक मिनट का रास्ता में। तो मैं अपने किरण जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जंतर मंत्र में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं ले गया, अमित शाह को क्यों नहीं ले गया, आप बताइए माननीय किरण जी, क्या हम इसे आपका मूर्खता समझे या हम इसे आपका खैरता समझे, या तो हम कहे कि माफ करना कहना पड़ रहा है कि भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट ऑफिसरों के समर्थन में समझ आपका, मुझे तो पता नहीं। अरुणाचल का जनता, आप बताइए किरण जी किसके तरफ में है। इस बात को छोड़ के और एक बड़ा बात कहने से काम खोल कर सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे शिक्षकजनों। किरण जी ने खुले आबाम में मीडिया में कहा था कि अगर कोई भी करप्शन सबूत, कोई भी किसी का ऊपर भी नेता हो चाहे अफसर हो, अगर उसके पास में सबूत लाएगा तो वो एक्शन लेगा बोला था, हाँ मीडिया में। तो हमारा एसीसी टीम गया, उनके पास 100% वैलिड सबूत है, वो गया दिल्ली में, मिला सबूत दिखाया, फिर किरण जी अपना बयान बदलता है, कहता है कि इसका फैसला न्यायालय करेगा। अरे हमें भी पता है कि हर आखिरी और अंतिम फैसला न्यायालय ही करता है, पर मैं आपको ये पूछूं किरण जी, क्या आपने एसआईसी को, एसआईटी को, विजिलेंस टीम को, सीबीआई को, आप एक देश का मंत्री है, आप प्रेशर दे सकता था, आप दिया नहीं दिया? और पब्लिक को गुमराह मत कीजिए कि न्यायालय ही सब कुछ करेगा। आप पूरा इंडिया मालूम है, पूरा देश मालूम है कि
जो गवर्नमेंट कहता है, गवर्नमेंट का अधिकारी उसी को मानता है, उसका विरोध नहीं कर सकता है। इसके बाद मैं आप लोगों को और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब भी कोई एक्शन, अगर कोई करप्शन चार्जशीट किसी नेता पार्टी, उन लोगों का पार्टी गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कोई चार्जशीट बनाए, कोई केस करे, तो एक्शन लिया नहीं जाता, चार्जशीट बनता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकलता नहीं है। तारीख पे तारीख, सनी देओल का एक फिल्म है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा कैसा चलेगा? इस तरीका से तो कभी हो ही नहीं सकता। और मैं बता दूं, अगर वही ऑफिसरों का खिलाफ ऐसा करे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का विरोध में कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई व्यक्ति, कोई संगठन अगर आवाज उठाए तो रातों रात एक्शन लिया जाता है, पुलिस सुपरमैन बन जाता है, सुपरमैन से भी स्पीड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर में सोल डोडम को रातों रात उठा दिया, ताओ पोल तना तमर सबका अगेंस्ट में एक्शन लेता है अगर गवर्नमेंट का विरोध हो तो। इस तरीका से तो ठीक नहीं है ये चीज जो। और मैं ये जानता हूं कि आज ये संगठन बनाने का, ये अरुणाचल यूथ अगेंस्ट किरण रिजिजू फॉर्मेशन करने के लिए मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जिससे पंगा लिया है वो एक देश का मंत्री है, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका और मेरा कंपैरिजन ही नहीं है। वो मुझसे धनवान है, वो मुझसे बलवान है, और उसके पास हर क्षेत्र का पावर है। फिर भी मैं बता दूं मेरे भाइयों, मुझे किसी चीज का भय नहीं, मुझे किसी चीज का डर नहीं, ना मुझे किसी चीज की फिक्र है, क्योंकि मैंने अपने सिर पे कफन बांध लिया है। और मैं ये बता दूं आप लोगों को, वो नौजवान ही क्या जो अपनी जवानी में अपने हक के लिए ना लड़े, अपने आदर्शों के लिए ना लड़े, अपने लोगों के लिए ना लड़े। इसलिए मेरा जंग जारी है, जारी रहेगा। आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग मुझे साथ देगा। और एक बात यह भी है कि अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट से सब कुछ हो जाता, ध्यान से सुनिए, अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट से सब कुछ हो जाता तो एसीसी टीम आज विजय होकर लौटता। हाँ, अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट से सब कुछ हो जाता तो एसीसी टीम आज विजय होकर घर लौटता। अगर बैनकॉल से सब कुछ होता तो सोल डोडम आज जेल में ना होता। अगर बैनकॉल से सब कुछ होता तो सोल डोडम आज जेल में ना होता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें इस करप्शन को हटाने के लिए सबसे पहले भ्रष्ट अधिकारी को, कुर्सी में बैठा वाला को गिराना होगा, और सबसे पहले हमारा प्रदेश का सबसे बड़ा सज्जन जो कि किरण रिजिजू है, उसको हम लोगों ने 3 बार सपोर्ट किया, चौथा से स्टेट से लेकर नरेंद्र मोदी के साथ में बैठने का अवसर दिया। हमें उनको पहले हराना होगा, उनको कुर्सी से लाना होगा, उसी के बाद हम लोग का स्टेट में जो भी अच्छा काम होगा हम लोग मिल के साथ में करेगा, लेकिन पहले किरण रिजिजू को हराना होगा। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आखिर मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे शिक्षकजनों, जाके जर्रे जर्रे से कह दो, जाके जर्रे जर्रे से कह दो, जाके गली गली से कह दो, जिनसे मिले उनसे कह दो, अगली बार नो किरण सरकार, अगली बार नो किरण सरकार, अगली बार नो किरण सरकार। थैंक यू। गुड इवनिंग वन एंड ऑल माय डियर यंगस्टर फ्रेंड, माय सिस्टर, माय ब्रदर एंड ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज बेंगिया रेक्स एंड आई एम फ्रॉम कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट। एंड बस आज का ये जो थोड़ा सा मूड है, हम लोग जो आया टीम का तरफ से जो ऑर्गेनाइज है, आप लोग कुछ लोग बहुत मिसकनसेप्ट होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा मतलब ये हो क्या रहा है, तो मैं जस्ट सिंपली से थोड़ा सा डिटेल से आप लोग को बताना चाहूँगा। हम लोग का जो आयक है, इसका फुल फॉर्म है, सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए, फुल फॉर्म है ये अरुणाचल यूथ अगेंस्ट किरण रिजिजू।
तो हम लोग ये जितना भी यहाँ पे जो हम लोग का जो ऑर्गेनाइजिंग जो चेयरमैन टीम मौजूद बैठा हुआ है, ये हम लोग सब लोग कम्बाइनेशन वाला है। सब लोग कोई कोई अलग डिस्ट्रिक्ट से, कुरुकुमे से, कोई ईस्ट कमिंग से, कोई पफुमपारे से, कोई लोअर सुबनसिरी से, कोई अपर सुबनसिरी से। तो ये हम लोग क्यों, ये मेन मोटिव हम लोग क्यों ये एक टीम ये ऑर्गेनाइज शुरू किया है बोलने से, देखिए आप लोग देखिए, सबसे पहले अरुणाचल में हो क्या रहा है अभी ना सिचुएशन, प्रेजेंट सिनेरियो। तो किरण रिजिजू को हम लोग क्यों एग्जैक्ट मेन हम लोग का टारगेट है बोलने से, किरण रिजिजू को चलो एक MLA होता अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ उसको ये होता बोलने से, चलो कुछ ये नहीं है। किरण रिजिजू को आप सभी वोट मारा, हम मारा, आप मारा, जितना भी हम लोग का ये इस साइड का जो बेल्ट है, हम लोग सब लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको भेजा, दिल्ली भेजा, ताकि अरुणाचल में कुछ भी कुछ ये इशू हो, जो भी हो, एटलीस्ट हम लोग अरुणाचल के लिए कुछ बात कर सके, इसलिए हम लोग उसको सेंटर में भेजा। तो आप लोग देखा होगा ये किरण रिजिजू का शुरुआत से सबसे पहला तो क्या डायलॉग दिया था उस किरण रिजिजू, जो अरुणाचल को नंबर वन इसे देखना चाहते हैं, ठीक है बहुत बढ़िया बात है, अच्छा लगा, हम तो बहुत ताली बजाए, हम स्पेशली हम इंडिविजुअल ऐसे बेंगे, हम खुद किरण रिजिजू का एक बड़ा फैन था, सीरियसली जूत भी नहीं, बहुत बड़ा फैन था। जब भी MP का बात आता, कोई भी ABCD आपको दिखाई नहीं देता था, एकदम किरण रिजिजू फाइनल है। लेकिन जब 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 मैं चीज़ को रियलाइज करते गया, जब जब धीरे धीरे चीज़ को देखते गया, वो आदमी में सिर्फ क्वालिटी क्या है बोले, सिर्फ स्पीच, ही ओनली कैन गुड इन मास्टर इन स्पीच, ही कैन मैनिपुलेट बाई हिज स्पीच बट नॉट मैन बाई एक्शन। तो ये चीज़ को आप लोग भी समझना चाहिए। अभी आप देखिए ये अरुणाचल में जितना भी कुछ ये इश्यू हो रहा है, क्या किरण रिजिजू कभी ऐसे MP हम लोग का जो स्टेट का होने के नाते कभी इशू में बात करता है? नहीं। PRC इशू गया, कुछ बात किया, आवाज़ उठाया? नहीं। सप्रेस हो गया। अभी जो पेपर लीकेज के बारे में कुछ बात किया? नहीं। वो चाहता तो थोड़ा प्रेशराइज करने से नलिन भाई भी आराम से हो सकता है, ये इम्पॉसिबल बात नहीं है, पॉसिबल बात है। चलो उसको भी छोड़ दिया। चलो टीचर को, हम लोग का SS टीचर को रेगुलर नौकरी दिया बोला, तो आज तक SS टीचर जो हम लोग का गाँव गाँव में जाके जो पढ़ा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उन लोग को जो पढ़ाता है टीचर सैलरी के लिए ये भटक रहा है, धरना बेहतर आप लोग देखा होगा रिसेंटली भी धरना बेहतर हुआ में, कुछ हुआ नहीं। स्मार्ट सिटी ये क्या होता है अरुणाचल में, एकदम ईटानगर का कैपिटल को ये स्मार्ट सिटी बनाएगा, ऐसे होगा अरुणाचल, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कुछ हुआ स्मार्ट सिटी का थ्रू पे क्या हुआ? बस एक छोटा सा TV लगा रहे, बस स्मार्ट सिटी खत्म। तो ये चीज़ को समझना चाहिए, ये चीज़ को समझना चाहिए। इसलिए हम लोग का जो मेन मोटिव है, हम लोग क्या है कि स्पेशली आप लोग को क्यों बुलाया, हम लोग चलो बुरा बुरी को भी हम लोग बुला सकता था, लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जो एक ऐसे इंटेलेक्चुअल ना, आई हैव ग्रेजुएटेड सिंस फ्रॉम 2019 फ्रॉम डॉन बोस्को कॉलेज जोलंग, राइट नाउ आई एम अनएम्प्लॉयमेंट, मे बी यू ऑल आर द पार्ट ऑफ इट, आप सभी तो पढ़ाई तो किया होगा कोई ना कोई, कुछ हुआ नहीं ना। तो अभी ऐसे हम लोग को इंटेलेक्चुअल पढ़ने पढ़ाई थोड़ा दुनियादारी देखने के नाते ये चीज़ को समझना चाहिए हम लोग को, किरण रिजिजू ओनली गुड इन स्पीच, नथिंग एट ऑल। तो ये चीज़ हम लोग आप लोग से क्यों शुरू कर रहे हैं बोले से, एक से बढ़ के एक। तो आप लोग एक को जाके, कल को जाके अम्बा बाबा को हम लोग का इसमें बुरा बुरे लोग क्या होता है कि किरण रिजिजू कोई एकदम सुंदर है, चश्मा पहने, अच्छा लगता है, गुड लुकिंग है, वोट मार देता है। ये चीज़ को आप लोग समझाओ उसको, माँ पिताजी को, चलो MLA को चलो उसको ठीक नहीं कर सकते, चलो MP को तो हम लोग शुरुआत करेगा, ठीक करेगा। तो ये चीज़ हम लोग का सिलसिला, जब हम लोग का यूथ का पावर इसमें समय है, अभी 2024 आने वाला है, हम लोग उसको उसमें हम लोग यूथ का पावर दिखाना है। अभी आप अपना बस्ती बस्ती में आप लोग माँ बाबा से बोलो किरण रिजिजू को बहुत मत मारो, ये हम लोग के लिए क्या किया है? कुछ नहीं, हम लोग गरीब आदमी उसको बनाया, जितना भी गरीब जनता है ये बुरा बुरी लोग बनाया उसको। तो आज का समय में जो पेपर बेच के जो गरीब जो पढ़ाई करके वहाँ से जमीन जायदाद बेच के या मैं कोचिंग करके पढ़ने वाला, उन लोग का जिंदगी छीन लिया। एक आवाज़ उठाया आप लोग बटाटो, एक आवाज़ भी नहीं उठा सकता है। ऐसे वाला आदमी को हम लोग क्यों भेजे सेंट्रल पे, यहाँ से भेजे, घर से निकल के वहाँ में जाके बोलता है कि अरुणाचल बहुत छोटा सा स्टेट है, हम देश का ये है, ये इंडिया का है स्टेट, तो ये अरुणाचल तो बहुत छोटा स्टेट है, उसको स्टेट गप को हैंडल करने दो, गांता उसको। तो हम लोग क्या, तो उसको दिल्ली मुंबई से आदमी वोट मारा, आप मारा, हम मारा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हम तार एकदम प्राउड से बोलता है। किरण रिजिजू से आज तक हम एक कप चाय कॉपी भी, चलो सर हम वोटिंग मारने बस्ती जा रहे हैं, एक कॉपी चाय के लिए ये कर दो, या फिर गाड़ी में थोड़ा सा बाइक में स्कूटी में तेल डाल दो, नहीं बोला, दिया उसको मौका 3 times मोर देन इनफ है। आदमी एक बार गलती करता है चलो ठीक है, दूसरा टाइम्स चलो उस समय में थोड़ा सा टेंजर चला गया जल्दबाजी में तो नहीं सकेगा, तो नेक्स्ट टाइम मौका दिया, उसमें भी दिया, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। अभी फिर 3 times दिया, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया, तो कल को और 4th time देने से तो बोलेगा हम तो इंडिया का ही नहीं है, तब क्या करेगा? तो ये चीज़ को आप लोग ना मेरे दोस्तों, आप लोग ये चीज़ को थोड़ा अच्छा से समझना चाहिए।
तो इसलिए मेरा हम लोग का जो आज का जो मेन मोटिव है, चलो लेट्स बिगिनिंग फ्रॉम आवर्स ना आवर सेल्फ, लेट्स बिल्ड इट। तो नेक्स्ट 2024 में जो भी ए बी सी डी जो भी आता है, तमोल आंटी वगैरह कोई भी एम पी आता है, तो किसी को भी आप लोग अपना पसंद वाला से मारो। हम लोग आया टीम, ये लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि उसका ओपोनेंट दो वाला पर्टिकुलर नाम आएगा उसको बहुत मारो, नहीं, वी विल नेवर डू दैट। हम लोग उसे कोई लेना देना नहीं। कोई भी आता है आपका कोई रिलेशन से या कोई भी आता है, आप लोग जिस अपना पसंद वाला उसको वोट मारो, कोई इशू नहीं है। बस हम लोग का मेन टारगेट है कि किरण रिजिजू को हम लोग और दोबारा सीट में नहीं देखना चाहता ना, और कुछ नहीं। तो शुरुआत हम लोग आप लोग से ही करेगा, और हम लोग का जितना आयक टीम है, हम लोग जो कोऑर्डिनेट किया है, हम लोग अभी ये बस्ती बस्ती में हम लोग भी जितना हो सके अपना ट्राई कर रहा है, हम लोग बस्ती बस्ती लेवल तक जाके ये बेस्ट से भी बेस्ट ये बुरा बुरे लोग को भी समझाने के लिए। तो आप लोग भी कल को बस्ती कहीं कहीं जाता है, उनमें से भी दो आदमी को आप बताओ, दो आदमी फिर तीन आदमी चार आदमी ऐसे होते होते ये चीज़ जो सक्सेस होगा। तो जब तक हम लोग शुरुआत नहीं होगा कभी होगा नहीं है। तो आज का ये हम लोग का जो मीडिया है ये एक छोटा सा है, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है। और हम फिर से आप लोग को याद दिला दो, हम लोग किसी को उसको वोट मारो उसको वोट मारो नहीं बोल रहे, बस किरण रिजिजू को वोट नहीं मारना है। वंस अगेन आई एम सेइंग दैट ही इज ओनली गुड इन स्पीच नथिंग एट ऑल। तो ये बात आप लोग भी समझ गया होगा, अभी ऐसे यूथ ना आप लोग सब मालूम होता होगा वो कैसे वाला है। कभी सच में ये जो मेरा दोस्त जो पहले चेयरमैन साहब जो हाईलाइट किया था उसको कभी दिखाई देता है अरुणाचल में? अच्छा आप लोग ऑनेस्टली बोलो तो कभी दिखाई देता है? नहीं, हम तो झूठ भी नहीं, हम आज तक दिखाई नहीं दिया फिल्म फेस्टिवल या कहीं में। हाँ, जब कोई वहाँ से सेलिब्रिटी आ रहा है तब दिखाई देता है, अदरवाइज हम भी कभी दिखाई नहीं देते उसे। तो इसलिए हम लोग का मेन ये आयक टीम का मेन मोटिव है, लेट्स नो टू किरण रिजिजू नेक्स्ट 2024 ना। तो ये सब आप लोग भी थोड़ा साथ देना है, साथ दे के आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग को कोऑपरेट कीजिए ताकि बेटरमेंट ऑफ अरुणाचल ना। इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉर अस, नॉट ओनली फॉर आयक टीम, इट्स फॉर ऑल अरुणाचल, इट्स फॉर आवर सेल्फ ओनली। तो ये आप लोग नहीं सोचना है कि हम लोग आयक टीम के लिए कुछ प्रॉफिट है वगैरह, नहीं कुछ नहीं है। हम लोग का मोटिव ये है कि हम लोग जो जिसको बना रहे तो जो अरुणाचल के लिए, हम लोग जो सेंट्रल में भेज रहे तो हम लोग अरुणाचल के लिए होना है, नॉट कि अरुणाचल इंडिया कहाँ कहाँ में स्टेट में घूमते रहो, अपना घर को भूल जाओ। ऐसे आदमी को तो आप बनाना बहुत गलत बात है। तो इसलिए ये चीज़ को आप लोग भी समझाइए। तो जब भी आप लोग कहीं जाते हैं तो दोस्त लोग को बोलिए किरण रिजिजू को बहुत मत मारो, पैदा नहीं है। तो पूछने से बोलो किसको बहुत मारना है, किसी को भी बहुत मार दो, एटलीस्ट एक बार किसी को तो मौका भी दे दो। वाई ओनली किरण रिजिजू जबकि वो कुछ नहीं कर रहे दिखा देखी? तो वही था हम लोग के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो